नमस्कार दोस्तों, आज है 19 अगस्त और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। जैसा कि आपको पता है, आप यहां पर सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण और जरूरी खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब राज्य के बच्चों के लिए ही होंगी। छतरपुर में शुरू हुए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को अन्ना हजारे ने भी सराहा। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पर असर, बरगी बांध के 13 गेट खोले गए और राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने पर रोक बनी रहेगी, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि अब सरकारी नौकरियां सिर्फ राज्य के बच्चों के लिए ही होंगी। श्री चौहान ने भोपाल में बताया कि इस संबंध में सरकार ने फैसला ले लिया है और आवश्यक कानून बनाने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। श्री चौहान ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश के संसाधनों पर अब इस राज्य के निवासियों का हक होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने राज्य में सरकारी नौकरियों में राज्य के ही नागरिकों को देने संबंधी राज्य सरकार के आज के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य के संसाधनों का लाभ राज्य के ही युवाओं को मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 930 नए मामले सामने आने के बाद में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 46,385 हो गई है। वहीं एक दिन में 23 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,987 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या 35,025 हो गई है। कल भी अस्पतालों से कोरोना वायरस रोगियों को ठीक करने के बाद छुट्टी दी गई। अस्पताल में अब तक 10,232 सक्रिय मामले हैं, नए प्रकरण मिले हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की जिलेवार संख्या देखें तो बीते 24 घंटों में इंदौर जिले में कोरोना के सर्वाधिक 245 नए प्रकरण मिले हैं। इसके बाद भोपाल में 125, खरगोन में 36, ग्वालियर गुना में 20-20, देवास में 11, अशोकनगर में 3, वहीं नीमच में 18 लोगों ने कोरोना को मात दी। शहडोल में कल 20 नए मामले सामने आए। अब यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 146 हो गई है। अगर राज्य में बात करें मृत्यु की, तो अभी तक 1,128 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए 22 पूर्व विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नोटिस पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि विधि विशेषज्ञों से सलाह के बाद जवाब प्रस्तुत करेंगे। छतरपुर में पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजों की घोषणा 20 अगस्त को करेंगे। यह देश का 5वां वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है। स्वच्छता महोत्सव नाम के इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय निष्पादन करने वाले राज्यों और शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत चयनित लाभार्थियों से स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 परिणाम डैशबोर्ड का शुभारंभ करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। नर्मदा सहित कई नदियां और नाले उफान पर हैं। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जबलपुर में बरगी बांध के 13 गेट खोले गए। वहीं शहर में बीते 24 घंटों में 5 इंच बारिश से जलभराव की स्थिति बन गई। होमगार्ड की रेस्क्यू टीम ने करीब 60 लोगों को नाव के सहारे सुरक्षित निकाला। पन्ना में जोरदार बारिश का दौर जारी है। इस कारण शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर रायसेन में भी बीते 24 घंटों में 32.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटों में जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों और विदिशा रायसेन जिलों में कहीं कहीं अति बारिश हो सकती है। वहीं रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, होशंगाबाद, सीहोर, बैतूल, अशोकनगर, शिवपुरी सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। उधर उमरिया जिले में लगातार बारिश के चलते निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले वासियों से सतर्क रहने की अपील की है। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने कार्य के अलावा गोवा राज्य का कामकाज भी देखेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% करने पर रोक बनी रहेगी, अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। जस्टिस बीके श्रीवास्तव और प्रशासनिक जज संजय यादव की ज्वाइंट बेंच ने 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक को अगले आदेश तक जारी रखने को कहा, साथ ही अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने के निर्देश दिए। जबलपुर की छात्रा आकांक्षा दुबे समेत कई अन्य की ओर से राज्य सरकार के 8 मार्च 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश को चुनौती दी गई। इन याचिकाओं में कहा गया कि संशोधन के कारण ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% हो गया, जिससे कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर 63 हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% ज़्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता। एक अन्य याचिका में कहा गया कि एमपीपीएससी ने नवंबर 2019 में 450 शासकीय पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में 27% पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए हैं। प्रदेश में वर्तमान में अनुसूचित जाति को 16, जनजाति को 20 और पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इस तरह तीनों वर्गों को मिलाकर 50% आरक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान निवासी शांतिलाल जोशी समेत 5 छात्रों ने एक अन्य याचिका में कहा कि 28 अगस्त 2018 को मध्य प्रदेश सरकार ने 15,000 उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर भर्ती परीक्षा कराई। इसी साल 20 जनवरी 2020 को कांग्रेस सरकार ने इन पदों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की नियम निर्देशिका जारी कर दी। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई, लेकिन राज्य सरकार ने 19 का अध्यादेश इसमें लागू कर दिया, ये अनुचित है। वकीलों ने भी यह कहा कि हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का अध्यादेश 19 मार्च 2019 में स्थगित कर चुका है, इसलिए किसी भी सरकारी भर्ती या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 19 मार्च 2019 को कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने 28 जनवरी को एमपीपीएस की करीब 400 भर्तियों में भी ओबीसी आरक्षण बढ़ाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इस आदेश को वापस लेने के सरकार के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता के साथ अधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले से जुड़ी अन्य याचिकाएं भी लिंक कर एक साथ 4 सप्ताह बाद सुनवाई करने का निर्देश भी दिया। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते कल से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भोपाल, सिवनी और नरसिंहपुर भी जाएंगे। शिवपुरी जिलों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 से 25 अगस्त तक रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। सागर जिले की वंडा की एसडीएम शशि मिश्रा एक सड़क हादसे में घायल हो गई। एसडीएम मिश्रा सागर क्षेत्र के दौरे पर थी, तभी एक ट्रक ने मिश्रा की गाड़ी को सीधी टक्कर मार दी। छिंदवाड़ा जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पोला पर्व पर परंपरागत गुड़ी यात्रा निकाली गई। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में सरकारी नौकरियां अब राज्य के बच्चों के लिए ही होंगी। छतरपुर में शुरू हुए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को अन्ना हजारे ने भी सराहा। प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन पर असर, बरगी बांध के 13 गेट खोले गए।
और हाई कोर्ट ने राज्य में ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने पर रोक बनी रहेगी। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद। आज की खबरों में इतना ही। उम्मीद है आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल मिलते हैं। धन्यवाद।